Hello friends, how are you? In our previous class, we discussed about simple salt and complex salt. हमने जो last class जो थी उसमें simple और complex salts के बारे में discuss किया था. Okay? वो इस chapter का starting और initial point है. आज अपन particularly chapter पे अपन बात करते हैं, that is coordinate compounds. Coordinate compounds. अगर यहाँ पर डेफिनेशन की अपन बात करें, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए बोलते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है. कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां पर पाया जाता है मेटल और लिगेंड के बीच में, उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं उनको? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. इनके सिंपली अपन बोले तो बोल सकते हैं द कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम और मेटल आयन. द कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम और मेटल आयन इज बॉन्डेड विद लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहां पर मेटल और लिगेंड के बीच में क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या पाया जाता है यहां पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर मौजूद होता है. M स्टैंड करता है मेटल, L स्टैंड कर रहा है लिगेंड. ओके, तो इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, ये इनकी खासियत है. सवाल आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे बोलते हैं? वो बॉन्ड जिसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे, शेयर दोनों करे लेकिन दे कौन? केवल एक एटम देता हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बोलते हैं. क्या बोला जाता है उन्हें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. गॉट इट? अब यहां पर कुछ टर्म्स आती हैं जिनके ऊपर अपने को बात करनी है, जिसमें जो सबसे पहले टर्म आती है वो आती है सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो मेटल या उसका मेटल का आयन भी हो सकता है जो कि इन कॉम्प्लेक्स के बीच में सिचुएटेड होता है. क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स के बीच में सिचुएटेड होता है और जो लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है. किससे अटैच होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है, उसे बोला जाता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन. गॉट इट? दूसरी टर्म आती है लिगेंड. सेकंड टर्म है लिगेंड. अगर अपन लिगेंड की अपन बात करें तो वो केमिकल स्पीसीज. अब ये केमिकल स्पीसीज न्यूट्रल भी हो सकती है, कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है. इट कैन बी कैटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक. दैट मींस पॉजिटिव चार्ज वाली भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज वाली भी हो सकती है, या जीरो चार्ज कंडीशन में भी हो सकती है. तीनों कंडीशन में किसी में भी पॉसिबल है, लेकिन मेन शर्त है ये डोनेट करने चाहिए लोन पेयर को. ये क्या है? दीज आर लोन पेयर डोनर. क्या बोल सकते हैं अपन इनको? लोन पेयर डोनर. किसको डोनेट करते हैं ये? सेंट्रल मेटल एटम को जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे बोला जाता है लिगेंड. और डोनेट करके क्या बनाते हैं ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर इनकी अपन बात करें तो ये कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं. क्या क्या पॉसिबल है? नॉर्मली अगर अपन बात करें तो ज्यादातर होते हैं एनायनिक. ज्यादातर कैसे हैं? एनायनिक. दूसरे आते हैं न्यूट्रल और तीसरे आते हैं कैटायनिक. सो ये या तो एनायनिक हो सकते हैं या कैटायनिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं. जैसे कि अपन बात करें क्लोराइड आयन,
या हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, या सल्फेट या कार्बोनेट, ये जो एनायंस है ये हो सकते हैं। न्यूट्रल में अपन चलें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, वाटर हो सकता है, पिरिडीन हो सकती है, और भी बहुत सारे हैं जो न्यूट्रल में आते हैं। अगर कैटायनिक की अपन बात करें तो कैटायनिक में एनओ प्लस, एनओ टू प्लस नाइट्रोसो, ये यहाँ पर लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात जो है, इनमें सभी में कम से कम एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए जो कि ये मेटल को ट्रांसफर कर सके। क्या होना चाहिए इनके पास? कम से कम एक लोन पेयर यहां पर हो। क्या हो? एक लोन पेयर इनके पास होना चाहिए जो ये यहां पर सेंट्रल मेटल एटम को ट्रांसफर कर सके। ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स का एक तो क्लासिफिकेशन इनके चार्ज की बेसिस पे होता है। एक तो किसकी बेसिस पर है? चार्ज की बेसिस पे, जो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज दे कैन बी कैटायनिक, दे कैन बी एनायनिक एंड दे कैन बी न्यूट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इसके बेसिस पर, चार्ज की बेसिस पर, ये अभी अभी अपन डिस्कस कर चुके। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कितने एटम यहां पर डोनेट कर रहे हैं, कितने एटम्स यहां पर डोनेट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़े से टर्म, एक और वर्ड आता है जिसको यहां पर बार बार यूज किया जाएगा, डेंसिटी। ये फिजिक्स वाली डेंसिटी नहीं है, पहले क्लियर कर दो। यहां ये जो डेंसिटी है इसका मतलब अलग है। यहां डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो डोनेट किए जाते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स जो उसके साथ बॉन्ड होंगे। एक एटम बॉन्ड होता है तो एक लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है? तो यहां पर डेंसिटी वर्ड यहां पर थोड़ा सा एक वर्ड आता है, क्योंकि यहां पर अपन जैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे अपन मोनो डेंटेट, मोनो डेंटेट, तो ये वर्ड यहां से आया है, दैट इज डेंटिटी। सॉरी, नॉट डेंसिटी, दैट इज डेंटिटी। ओके, दैट इज डेंटिटी, सॉरी फॉर दैट, डेंटिटी। मोनो डेंटिटी मतलब कितने एटम्स यहां पर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला आता है मोनोडेंडेट, या जिसे दूसरे वर्ड में बुलाया जाता है यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। सीधा सीधा यहां से अपन बात करें तो जिसमें केवल एक ही डोनेटिंग साइट है, ओनली वन डोनेटिंग साइट, जिसमें क्या पाई जाती है, केवल एक डोनेटिंग साइट पाई जाती है, उसे बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स या यूनिडेंटेट। एक डोनेटिंग साइट है इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ये वन लोन पेयर का शेयरिंग करता है। क्या करेगा? ये एक लोन पेयर को शेयर करेगा सेंट्रल मेटल के साथ, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर ये बनाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स के अपन बात करें,
H2O, एक लोन पेयर दे सकता है टू, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दो है लेकिन देता कितना है एक। इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर है वो दे सकता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक्स नेगेटिव, एक्स का मतलब हेलोजन्स, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब। ओके, ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसके अलावा साइनाइड, नाइट्रोसो, ये सब किस में आते हैं? ये सब हैं मोनोडेंडेट, यानी कि ये सब क्या देते हैं? एक लोन पेयर देते हैं और इनमें क्या रहती है? एक डोनेटिंग साइट होती है। जैसे इसमें अपन बात करें तो ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ये हेलोजन दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन कार्बन दोनों है लेकिन दोनों में से एक टाइम पर एक ही देता है, और यहां पर भी यही बात है। ओके, ये आते हैं मोनोडेंडेट। दूसरे आते हैं सॉरी बाई डेंटेट, बाई डेंटेट यानी कि अपन बोल सकते हैं ऐसे लिगेंड जिनमें टू डोनेटिंग साइट्स होती हैं। क्या होती है इनमें? टू डोनेटिंग साइट्स, यानी कि दो एटम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जब दो डोनेटिंग साइट है तो ये कितना करेगा? दो लोन पेयर की शेयरिंग कर सकता है, और दो लोन पेयर की शेयरिंग करेगा तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाते हैं टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्या बनाएंगे? ये टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पर बनाते हैं। इसमें जो सबसे अच्छे एग्जांपल्स पे अपन चलें तो सबसे पहला आता है CH2, NH2, CH2, NH2, जिसमें दोनों नाइट्रोजन के ऊपर है एक एक लोन पेयर। ये दोनों ही नाइट्रोजन्स अपने लोन पेयर को शेयर कर सकते हैं। इसे बोला जाता है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाई एमीन दैट इज एथिलीन। ये ग्रुप तो क्या है? एथिलीन। इसका नाम थोड़ा सा समझ लेना, CH3CH3 एथेन, ये कहलाता है एथेन। जब दोनों साइड से एक एक हाइड्रोजन हट जाए तो बच गया CH2CH2, अब ये कहलाएगा एथिलीन। जब एक और हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये कहलाएगा एथिलीडीन। तो ये इनके थोड़े से नाम के सिस्टम होते हैं जो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एथिलीन दोनों साइड में एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए नाम हो गया इसका एथिलीन डायमीन, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं EN। क्या बोला जाता है? EN। इसके अलावा सेकंड पे अपन बात करें तो ऑक्सलेटो, सेकंड आता है ऑक्सलेटो, ये है ऑक्सलिक एसिड। इसमें से जब दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, H प्लस बन के अलग हो जाते हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो ऑक्सलेटिक ऑक्सलिक एसिड से बना है इसलिए इसे बोला जाता है ऑक्सलेटो। तो ये भी इसमें भी दो डोनेटिंग साइट है। तीसरा अगर अपन बात करें तो तीसरा आता है ग्लाइसिनेटो, तीसरा आता है ग्लाइसिनेटो, CH2CH2 सॉरी CH2, क्योंकि एथिलीन तो बना लिया ना अपन ने, ग्लाइसिनेटो। इसे बोलते हैं ग्लाइसिन, ये कहलाता है ग्लाइसिन। जब इसमें से ये हाइड्रोजन हट जाए तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है? तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया? दैट इज बाई डेंडेट। इसका अगर अपन नाम की बात करें तो दैट इज ग्लाइसिन से बनाए तो दैट इज ग्लाइसी नेटो। सिंबल के तौर पे अपन बात करें तो इसे GY से शो किया जाता है, GLY, ग्लाइसिनेटो ना, GLY से इसे शो करते हैं। गॉट इट? तो ये थे पहले मोनोडेंडेट और दूसरे थे बाई डेंडेट। ओके।
दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं अपन। तीसरे आते हैं ट्राई डेंटेट। नाम से ही पता चल गया हो गया, ट्राई डेंटेट यानी कि यहां पर थ्री डोनेटिंग साइट्स। इनमें क्या पाई जाती हैं? थ्री डोनेटिंग साइट्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। थ्री डोनेटिंग साइट्स हैं तो मतलब कितना करेंगे ये? थ्री लोन पेयर की शेयरिंग ये करते हैं। क्या करते हैं ये? थ्री लोन पेयर की शेयरिंग करते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स में अपन बात करें, NH2, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH2, ये जो मॉलिक्यूल है इसे बोला जाता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। दो एथिलीन ग्रुप है और तीन एमीन ग्रुप है, तो जिसे बोला जाता है डाईएथिलीन ट्राईएमीन, जिसमें तीन नाइट्रोजन जो आइटम है वो डोनेटिंग कैपेसिटी रखते हैं। ये हो गया हमारा डाईएथिलीन ट्राईएमीन, डाईएथिलीन ट्राईएमीन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डाईईन। सेकेंड एग्जाम्पल में बात करें तो वो आता है इमिनो डाई एसिटेटो, CH2 NH CH2, COO नेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों यहां पर लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं। इसे बोला जाता है इमिनो NH3 अमीन NH2 एमिनो। व्हाट इट, तो दैट इज इमिनो डाई एसिटेटो, बिकॉज दो एसिटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दैट इज इमिनो डाई एसिटेटो। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया? तीन डोनेटिंग साइट्स हैं, इसमें भी तीन है, तो ये दोनों किसमें आते हैं? ट्राइडेंडेट, किसमें आते हैं ये? ट्राइडेंडेट। व्हाट इट, फोर्थ आता है टेट्राडेंटेट। नाम से ही पता चल गया होगा वापस, इसमें क्या रहती है? फोर डोनेटिंग साइट्स। कितनी पाई जाती है यहां पर? फोर डोनेटिंग साइट्स है। फोर डोनेटिंग साइट्स है तो डेफिनेटली कितना करेगा? फोर लोन पेयर्स को ये शेयर करता है। इसमें अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो आता है ट्राईइन का। कितने का? ट्राईइन का। ये डाईइन था, इसमें एक और जब ये ग्रुप अटैच हो जाए तो बन जाता है ट्राई, ये था डाईइन, डाईएथिलीन टेट्राएमीन, एक और अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा? ट्राईएथिलीन, ये तो था ट्राईएमीन, वो हो जाएगा टेट्राएमीन, यानी कि स्ट्रक्चर बन जाएगी NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये नाइट्रोजन ये चारों जो नाइट्रोजन हैं ये यहां पर लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं। इसे बोला जाएगा ट्राईएथिलीन, बिकॉज एक दो तीन, तीन एथिलीन ग्रुप है तो ट्राईएथिलीन। एमीन कितने हो गए? टोटल मिलाकर कितने नाइट्रोजन है? फोर, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको ट्राईइन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? ट्राईइन। व्हाट इट, सेकेंड एग्जाम्पल आता है नाइट्रीटो, सॉरी नाइट्रिलो
ट्राई एसिटेट ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर तीन एसिटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये जो तीनों एसिटेट हैं, एक ही हाइड्रोजन देने के कारण यहां पर क्या जाएगा, तीनों पर नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों और ये नाइट्रोजन लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर डोनेटिंग साइट कितनी हो गई, फोर। तो वो किसमें आ जाएगा, दैट इज टेट्राडेंडेट, यानी कि फोर डोनेटिंग साइट्स इनके अंदर पाई जाती है। Got it? अगला आता है पेंटाडेंडेट। यहां तक का समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगले की अगर अपन बात करें तो वो आता है पेंटाडेंटेट। पेंटा पेंटा मीन्स फाइव, अगर फाइव डोनेटिंग साइट्स हो तो उसको अपन बोलेंगे पेंटाडेंटेट। फिफ्थ आएगा पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट का मतलब फाइव डोनेटिंग साइट्स, इनमें क्या पाई जाती है, फाइव डोनेटिंग साइट्स यहां पर होती है। इसका एग्जांपल की अपन बात करें तो इसका एग्जांपल है एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव हाइड्रोजन। यहां पर अगर अपन डोनेटिंग साइट्स को काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। गॉट इट, अंडरस्टैंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है EDTA3, लेकिन EDTA3 यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि EDTA अपन जो नॉर्मली जो यूज करते हैं वो यहां पर जब टेट जो हेक्सावेलेंसी में जो आता है हेक्साडेंडेट उसके लिए काम में लेते हैं, लेकिन बुक में यहां पर इसका नाम जरूर लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में तो बोला जाएगा इसे EDTA-3। व्हाट इट, पूरा नाम हो गया इसका एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, एसीटेट से बन गया एसीटेटो। तो ये किसमें आता है, पेंटा डेंडेट। अगला आता है हेक्साडेंटेट। नाम से ही पता चल गया होगा यहां पर क्या रहती है, सिक्स डोनेटिंग साइट। इसका जो एग्जांपल है ये था हमारा एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेटो, उसमें आ जाएगा एथिलीन ट्राइएमीन टेट्रा एसीटेटो, यानी कि CH2 CH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स। ओके, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, टोटल मिलाकर चार तो हो गए एसिटेट, एसिटेट ग्रुप एस, और दो हो गए नाइट्रोजन। तो कुल मिला कितने हो गए, सिक्स डोनेटिंग साइट्स। इसे बोलते हैं अपन EDTA-4, और नॉर्मली EDTA इसे ही बोला जाता है। EDTA वर्ड काम में लिया जाएगा तो ज्यादातर किसके लिए काम में लेंगे अपन, इसके लिए। पूरा नाम हो गया एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो, एथिलीन डाइएमीन
एसीटेट हो, जिसको ईडीटीए माइनस फोर या सिंपली ईडीटीए वर्ड भी अपन काम में लेते हैं। तो ये थे कुल मिलाकर सिक्स टाइप के लिगेंड्स। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।